उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह आज विकासनगर के कालसी क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड पशुपालन विभाग द्वारा संचालित पशु प्रजनन केंद्र कालसी का निरीक्षण किया। बता दें कि ये पशु प्रजनन केंद्र 1937 में स्थापित किया गया था, जिसे भारत सरकार द्वारा देशी गोवंश के संरक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर भी चयनित किया गया। इसके तहत ही उम्दा नस्ल की गायों के निरीक्षण के दौरान राज्यपाल ने दूध निकालने वाली आधुनिक मिल्किंग मशीन के बारे में भी जानकारी दी और राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पशु प्रजनन केंद्र की व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए कहा कि उन्नत तकनीक से इस पशु प्रजनन केंद्र से पूरे देश के अंदर दुधारू पशु की नस्ल बढ़ाते हुए हम क्रांति ला सकते हैं। वहीं इस मौके पर परियोजना निदेशक डॉक्टर एस के सिंह, पशुपालन विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन सहित पशुपालन विभाग के समस्त अधिकारी मौजूद रहे। कालसी से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। आज मुझे एक रियलाइजेशन हुआ कि टेक्नोलॉजी के मामले में ये जो एनिमल ब्रीडिंग फॉर्म है, ये बहुत ही ऊंचे दर्जे का। आज के दिन में ये ओवम पिकअप, ओपीक्यू, आईवीएफ, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीनोम इंजीनियरिंग के अंदर में बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। आज मैंने जब पूरे इस फॉर्म का इंस्पेक्शन की, पूरा निरीक्षण किया, जाकर देखा, तो सबसे प्यारी बात लगी कि यहाँ पर जितने भी एनिमल है उनकी जो हेल्थ है वो बहुत ही सुंदर है। इसका मतलब जो हमारा ब्रीडिंग प्रोसेस है वो एकदम सक्सेसफुल है। और आज एक और चीज पता लगी जो मुझे आज तक पता नहीं था कि पूरे भारत में जो ब्रीडिंग के लिए बुल्स का भेदद आता है वो इसी सेंटर से भेदद आता है। और जिस प्रकार से हमने यहाँ से MOU किए हैं, जो इंटरनेशनल एनिमल का IBF, IPU, OPU जो है उसके अंदर में बहुत ही ख्याति प्राप्त की। मैंने तो आज चैलेंज दिया है कि हम इस टेक्नोलॉजी, इस एक्सपीरियंस और जितना आपने अपना टेक्नोलॉजी यहाँ पर डेवलप की है उसे पूरे राष्ट्र के अंदर में हम एक क्रांति ला सकते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल।